श्री ठाकुर बाबा कंस्ट्रक्शन, हमारे यहाँ रेत और गिट्टी उचित दामों पर उपलब्ध है। रेत और गिट्टी के लिए संपर्क करें हर्ष नेमा चांदपुर वाले। हमारा पता है मेन बस स्टैंड रहली देवरी रोड चांदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9131257936। प्रदेश के सागर जिले के सिविलनान थाना क्षेत्र के बमोरी बीका में युवक की मौत के बाद बवाल हो गया। इससे आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए रहली सागर मार्ग पर शव रखकर जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल और अधिकारी मौके पर पहुंचे, फिर मामला शांत करवाया। मृतक बलराम उर्फ बाबू वहरबार के परिजनों ने बताया कि बाबू के खिलाफ एक नाबालिग लड़की ने छेड़छाड़ की झूठी शिकायत की थी। पहले लड़की बात करती थी और जब तक पैसे देते रहे तब तक वह चाहती रही, लेकिन जब लड़की के पिता ने देख लिया तो झूठी रिपोर्ट करवा दी। वहीं इसको लेकर एडिशनल SP विक्रम सिंह का कहना है कि युवक के खिलाफ 27 जुलाई को नाबालिग ने सिविल लाइन थाने आकर छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था, जिसमें कहा गया था कि आरोपी के द्वारा पिछले एक साल से शादी करने का दबाव उस पर डाला जा रहा था। साथ ही उसके द्वारा बुरी नीयत से छेड़छाड़ भी की गई। सिविल लाइन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 17 अगस्त को भी डायल 100 को लड़की से छेड़छाड़ करने का इवेंट मिला था, जिसके बाद पुलिस उसे थाने लेकर आई। 18 अगस्त की रात युवक की अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली थी, जिसमें जहरीला पदार्थ खाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने इसमें मृत्यु के पूर्व कथन भी करवाए थे। फिलहाल परिजनों के द्वारा लगाए गए आरोपों की पुलिस जाँच कर रही है। खबर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ पर बमोरी बीका में जो मृतक बलराम अहिरवार का लोगों ने उनके परिवारजनों ने जो कि कुछ ही समय से उनके परिवार वालों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें उनका ऐसा कहना है कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ जो है राजनीति दिया है, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थे तो भरण पोषण के लिए कुछ आर्थिक सहायता दी जाए। उसके संबंध में उनको उन्होंने आश्वासन हमने दिया अपनी तरफ से कि जो भी वैधानिक नियमानुसार जो जाँच रहेगी उसके खिलाफ जो दोषी पाए जाते हैं जो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और आर्थिक सहायता जो है बात रही थी जो हमने तात्कालिक अभी सीएम का साथ नहीं दें, क्योंकि मृतक जो है वो एक गरीब परिवार से आता है तो उसका BPL भी नाम है, तो उसमें अंत्येष्टि राशि की 5,000 और 20,000 की जो राशि वो भी हमने उसको प्रदान कर दी है। किन कारणों के मृत्यु हुई ये भी जांच का विषय है, जांच के उपरांत ही पता चलेगा। परिजनों का आरोप है कि पुलिस कस्टडी में। कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश अब आपके सागर शहर के बीचों बीच, वह भी सर्व सुविधा युक्त आवास फ्लैट एवं प्लॉट। बुकिंग के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया।